एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हरमन। आज आप सोचा कि थोड़े लिए कुछ स्वीट डिश लेके आइए। सो आज आप बनावांगे थोड़े सारे दे लिए रसमलाई। बहुत ही इजी वे दे नाल मुंह दे विच पानी आ जाता, सारा रसमलाई स्वाद लगती है, मिठा खाना सारे लाइक करते हैं। सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, हुण आप स्टार्ट करते अपनी रेसिपी। तो मैं तुम्हें दस दें कि इनग्रीडियंट्स पैणगे तो किवें किवें तुसीं बनाउणा। रसमलाई बनाने लिए आपां सब तो पहला चाहिए दुध। तो मैं दो कंटेनर दे विच दुध लिया, तुसी देख सकते हो, ठीक है जी। तो दो कंटेनर आ, सो दोनों दे विच मैं वन लीटर दुध लिया, ठीक है जी, दोवां दे विच। सो इन्हां नूं आपां गैस ते फ्लेम कर लवांगे, दोवां दी ऑन, ठीक है जी, फुल हाई फ्लेम ते, मतलब कि आपां इन्हां नूं कुक करना। सो हाई फ्लेम ते आपां इन्हां नूं उबालना। यह दुध दा आपां बनावांगे जी छैणा, ठीक है जी। छैणा एक पनीर की फॉर्म ही होंगी है, जिवें आप पनीर फाड़ के दुध नूं बनाउने आ, वह पनीर होंदा। तो जिहड़ा आप छैणा बनावांगे थोड़ा जिहा सॉफ्ट होंदा। तो जिहड़ा इधर वाला दुध हैगा इहनूं आपां काढ़ लैणा। यह मैं तुहानूं जिवें दस्सिया, आपां एक किलो दुध लिया, उहनूं आपां ने जदों 50% रह जाए, मतलब कि एक किलो तो अद्धा किलो दुध रह जाए, हाफ रह जाए, उन्ना तक आपां इहनूं काढ़ना। तो काढ़ काढ़ के जिवें तुहानूं पता ही है दुध का टेस्ट बहुत वधिया हो जांदा, गाढ़ा हो जांदा, फिर आप उहदे विच अपनी रसमलाई ऐड करांगे। सो आपां दोनों गैस इकट्ठे मतलब कि ऑन करते ताकि अपना टाइम सेव हो जाए। सो आपां सब तो पहला बनावांगे छैणा, तो नाल इहनूं कढ़न दवांगे। सो छैणा बनाने के लिए आपां नूं जिहड़ा इह दुध लिया आपां इहनूं पूरा चंगी तरह बॉयल कर लेना। जदों इह इक चंगी तरह उबाला आ जाए फिर आपां तुहानूं दस्सदे हां कि तुसीं इहदा की करना। सो उन्ना टाइम जिन्ना टाइम अपना दुध नूं उबाला आ रहा जां इधर वाला दुध कढ़ रहा, आपां जिहड़े इनग्रीडियंट लए आ, सो इहदे विच आपां लिया एक बाउ पूरा भर के शुगर, पाउडर शुगर है जी, ये बुरा खंड जिन्हों कह देंगे। एंड यह हैगा जी पिस्ता, एंड यह है ने जी इलायची, बदाम, काजू एंड विनेगर, ठीक है जी। सो मैं ये सारे जो इनग्रीडियंट है जेडे अपने ये उपर गार्निश करने या बिच पैना जो रसमलाई के जो अपने ड्राई फ्रूट्स है मैं कट के रख लूँगी। एक कंटेनर दे विच मैं सारे बदाम काजू तो इन्हों लंबे लंबे पीसिस के कट लेना इदा, ताकि जो आप गार्निश करिए बहुत सोहने लगे अपनी रसमलाई। एंड नाल ही मैं ये पिस्ता कट्टूंगी। सो तुसी सारा कुछ एक बाउल दे विच मिक्स करके सारा कुछ कट के रख लेना, तो तुसी थोड़ा जा गार्निश के लिए रख लेना, तो थोड़ा जा आप रसमलाई दे विच पाउन दे लिए रख लेना। इहदे नाल टेस्ट बहुत ही स्वाद आउंदा आ। गाइस देखो हुण इधर उबाला आ गया अपने दुध नूं, ठीक है जी। तुसी इदां कड़छी हिला देनी है, जदों उबाला आ गया आपां ने इहनूं उदों बंद करके इहनूं ठंडा होण देना 80%, ठीक है जी। फिर ऐ ना ज़्यादा गर्म दे विच जदों आपां पा देना देखो जी पूरा उबाला आ गया, हुण आपां गैस नूं कर दिंदे आ बंद। सो जिहड़ा अपना दुध कढ़ी जांदा ना इहदे विच आपां इहदे विचों आपां थोड़ा जिहा दुध लै लवांगे, कढ़िया हुआ दुध, इन्ना कु दुध लैके आप ऐड करांगे अपने केसर। केसर के चार पाँच दस मतलब के दस स्ट्रैंड्स आप केसर दियाँ पा देंगे, ता कि जो अपना कलर आ सारा ये आ जाए, फिर आप इन अपने दुध के मिक्स करांगे जो ये पूरा चंगी तरह कड़ गया। तो नाल ही आप जो अपना दुध इधर ठंडा हो रहा है हुण इहदा प्रोसीजर स्टार्ट कर दें कि आप छैणा किदा रेडी करना, ठीक है जी। जी विनेगर लै लिया सीगा, तो ये आप हूँ मिलावे एक कड़छी पानी, ताकि जोड़ा विनेगर आ थोड़ा जहा अपना पतला हो जाए तो अपना छैणा जोड़ा वधिया बने। इनू थोड़ा थोड़ा करके पाना विनेगर नू सारे पासे, तो हौली हौली ये आप कड़छी चला देनी है, एकदम नहीं पाना विनेगर सारा, हौली हौली करके पाना अपने, ये वेट करांगे थोड़ा जहा। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨੇਗਰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੜਛੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਫਟਲੀ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਜੈਂਟਲੀ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬਾਨਾ ਵਧੀਆ ਸੌਫਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਛੈਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇਗਰ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਂਟਲੀ ਆਪਣੀ ਕੜਛੀ ਹਿਲਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਪਨੀਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਟਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੈਣਾ
वो अपने इनू जेंटली तो बिल्कुल स्लोली प्रोसैस करना अपना सारा ता कि हौली हौली स्लो तरीके फटे तो सॉफ्ट बने अपना छाना। ठीक है जी, हर बार जो तुम ये ऐड करोगे तो हर बार एटलीस्ट 1 मिनट की ब्रेक लैनी है, तो फिर ये थोड़ा थोड़ा करके अपना विनेगर ऐड करना। ठीक है जी, देख सकते हो तुम आप हौली हौली अपना विनेगर पाई जाने एंड करछी हिलाई जाने। एंड इधर भी मेरा दुध नाल नाल कढ़ी जाता पूरा, ये मैं कंटीन्यूसली अपनी करछी हिलाई जाती हूँ। ये भी 50% ऑलमोस्ट रह गया, बस जो बिल्कुल गाढ़ा हो गया मतलब अपना रस मलाई का जोड़ा जिद पावे आप रस मलाई मतलब पूरा अपना जोड़ा मिक्सचर गाढ़ा हो जाना, वधिया लगना टेस्ट, क्योंकि यह जिन्ना थोड़ा गाढ़ा होगा उन्ना यह टेस्टी होगा। तो देखो उधर मम्मी का भी छैना पूरा रेडी हो ही जाता, बस थोड़ा जहा स्लो प्रोसैस है ये। हाँ जी, पेशेंस के नाल करना पैना, उन्नी थोड़ी यम्मी रसमलाई बनूगी। ये मेन जोड़ा है इनग्रीडियंट है ही छैना, जिन्ना सॉफ्ट थोड़ा छैना बनूगा उन्नी सॉफ्ट तो स्वाद थोड़ी जी रसमलाई बनूगी। ठीक है जी, देखो जी हम थोनों बिल्कुल पता लगन लग गया पानी अड हो गया तो जोड़ा छैना वो अपना कि उपर आ गया, तो कलर भी चेंज हो गया, कलर थोनों येलो फॉर्म जी दिखन लग गई होनी। पहला अपना दुध बिल्कुल वाइट कलर के सो जो तो ये फॉर्म बन जाए मतलब थोड़ा छैना ऑलमोस्ट रेडी आ। ठीक है जी, सो बिल्कुल अपना छैना रेडी आ। तो इधर अपना जोड़ा दुध सगा जोड़ा आप दुध काढ़ काढ़ के आप थोड़ा कर लिया भी बिल्कुल रेडी आ। हम मैं गैस का फ्लेम कर दूंगी बंद, ये बहुत गाढ़ा हो चुके 50% मैं इनू सेक लिया, सो बहुत वधिया हो गया जी ये भी दुध। ठीक है जी, तो नाल अपना छैना ये भी रेडी है। हूँ इन थोड़ा दसते हैं कि तुम इन बाहर किदा क्डना, कोई भी तुम प्रांत वगैरह लै सकते जिद अपना पानी चल जाए तो छाननी लैनी है, तो कॉटन का कपड़ा लैना जिद ईजीली तुम जो छैना पाओ तो पानी सारा अलग हो जाए तो अपना छैना छैना उपर रह जाए। ठीक है जी, सो आप की करा, बहुत ही सोहना बन रहा जी। देखो जी, सो सारा छैना मैं ये अपनी पौनी दे नाल कपड़े दे विच पा लिया है। वाटर तुसीं देख सकते हो सारा येलो पानी। ठीक है जी, यह सारा नीचे आ गया, तो आप जिन्ना सारा कपड़ा हैगा सी उन्हूं इदां करके जिदा आप पनीर कढ़दे हुंदे आ घर पनीर बनाउणे आ, सो तुसीं उदां ही सेम उही तरीके दे नाल अपना छैना रेडी करना। ठीक है, गर्म आ तुसीं इहनूं ठंडा होण देना, थोड़ा जा गर्म आ बहुत ज़्यादा, सो तुसी वेट करनी है कि जिन्ना पानी कट देना, तुसी इदा नहीं है कि ये पानी पिया रहन देना, थोड़ी रस मलाई फिर वधिया नहीं बननी, सारा एक्सेस वाटर तुसी देख सकते हो निकली जाता, पानी ये जमा ही नहीं छड़ना, सारा पानी अपने बाहर कट देना। ठीक है जी, आ वाला पानी हैगा इनू भी तुसी गारबेज नहीं करना, तुसी इहदे विच आटा गुन्न सकदे हो, कढ़ी बना सकदे हो क्योंकि खट्टा हुंदा। ठीक है जी, क्योंकि आपां ने सारा विनेगर जिहड़ा इहदे विच पाया सी सारा इहदे विच रह गया, तो इनू आपां ने छैना अलग कर लिया, सो तुसी इनू यूज़ कर सकदे हो पानी नू। देखदे आ हुण, वाओ देखो जी किन्ना ज़्यादा सोहना अपना छैना बने, पानी छड्ड लिया टूटी दे उपरों ते नाल रखी अपनी छाननी ते पौनी ते अपना कपड़ा सारा अपने इहदे विचों कढ देना विनेगर, उन्नी थोड़ी स्वाद बनूगी रस मलाई क्योंकि नहीं खट्टा बहुत हो जाना। ओके जी, देखो हुण आपां फिर वेट करनी आ कि जिन्ना ये पानी आ ये सारा निकल जाए, इनू ड्राई होने की वेट करनी है, पानी ते विनेगर चंगी तरह आपने ड्रेन आउट कर देना, तो इदा तुसी देख सकते कि किन्ना सोहना बनया, बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा मैनू तो, हुणे जी कर रहा भी बना के रस मलाई खा लीए। सो मैं हुण इहनू ना एक बार तो इदा नचोड़ता सी, तो हुण आपां इहनू एक बारी हैंड दे नाल भी इदा नचोड़ता गया एक्सेस वाटर, क्योंकि हुणे बिल्कुल ठंडा ही पानी पाया सी आपां, पहलां इह काफ़ी गर्म सी पर फिर भी इहदे विच बहुत पानी एक्सेस निकली जाना काफ़ी टाइम, सो तुसीं इहनू इदा ही थोड़ा टाइम रख देना एंड मम्मी हुण इहनू हैंडल कर दिया एंड मैं हुण इहदी रेडी कर दी हां चाशनी।
ਉਹਦਾ ਕੜੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਪੂਰਾ ਥਿੱਕ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਸੋ ਚਾਸ਼ਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਇੱਕ ਬਾਲ ਲਿਆ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਾਊਡਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਚਾਸ਼ਨੀ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਊਲ ਲਿਆ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਬਾਊਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਰੀ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕਹਿਤਾ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਬਾਊਲ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀ 2, 3 and 4 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਲੇਮ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਔਨ ਸੋ ਚਾਸ਼ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਬਾਲ ਉਬਾਲ ਕੇ ਰਿੱਝ ਚੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਸੋਲੋ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਣਦੀ ਆ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸ ਮਲਾਈ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਦੋਂ ਰਸ ਮਲਾਈ ਬਣ ਗਈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਸ ਮਲਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਾਚੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ 4-5 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਗਾਇਸ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਚੀ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਚੀ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਲਾਚੀ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕਵਰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਚੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਐਂਡ ਪਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਲਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਰਸ ਮਲਾਈ ਖਾਣੀ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਕੇਸਰ ਵਾਲੀ ਰਸ ਮਲਾਈ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਕਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਦੇਖੋ ਯੈਲੋ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਕੇਸਰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੇਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਿਆ ਕੇਸਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ੂਗਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਫ ਬਾਊਲ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੁੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਰੈਡੀ ਆਪਣੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਛੈਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਸ ਮਲਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਪ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਰਸ ਮਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਛੈਣੇ ਤੋਂ ਐਂਡ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛੈਣਾ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸ ਮਲਾਈ ਰੈਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੌਫਟ ਬਣਿਆ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੁੱਕਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਲੈਣੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 5-6 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਆ ਸੌਫਟ ਐਂ ਸੌਫਟ ਕਰਨਾ ਮਸਲ ਮਸਲ ਕੇ ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਟਿਪ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਸੌਫਟ ਸਾਡਾ ਛੈਣਾ ਹੋਊਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੇਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਮਲਾਈ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲੂਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਮਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਰਸ ਮਲਾਈ ਦੀ ਰੀਸ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਸਪੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਇਕ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਬਿਗਿਨਰਸ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਹਦਾ ਬਸ ਟਿਪ ਹੈ ਜੇ ਚਿਪਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ
बहुत सोहना बनिया जी। देखो तुसी इन्ना ही इनू मसलना, 5-6 मिनट इनू लगातार कंटीन्यूअसली इनू मसलदे रहना, उन्ना थोड़ा सॉफ्ट रस मलाई बनूगी। तो इनू आपां फिर हुण इहदे पीसिस बनावांगे, उह तुहानू मम्मी ने दस देना। विच ना जिहड़ा आपणा शैन आ, इहदे विच आपां जस्ट 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करना, ठीक है जी। इहदे नाल ना रस मलाई बहुत ही ज़्यादा वधिया इहदे विच किनका जिहा आऊगा, तो इहदे नाल बहुत टेस्ट आउंदा आ। तुसी इहनू स्किप भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं हैगा कि तुसी कॉर्नफ्लावर हैव टू ऐड करना, सो इह ऑप्शनल हैगा। जे तुसी होर भी ज़्यादा स्वाद बनानी है सो तुसी इहदे विच कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हो। एंड इहनू हुण तुसी चंगी तरह फिर मिक्स कर लेना, तो फिर इन मसलना कॉर्नफ्लावर ऐड करन तो बाद। हाँ जी, 5-7 मिनट आप इन हूँ मसलेंगे दोबारा दोबारा हथेली 5-7 मिनट हथेली के नाल इनू मसल लवोंगे। बस इस तो बाद आप ये पीसिस बनाने। अपना शैना बिल्कुल रेडी हो गया है, हूँ आप निके निके रस मलाई के केक्स बनावांगे। तो मम्मी तुहानू दसंगी तुसी किवें इहदे केक बनाउणे, ठीक है जी। हाँ जी, बिल्कुल निक्का जिहा पेड़ा लैना, छोटे छोटे पेड़े लै लेंगे इहदे आपां। हाँ जी, पेड़े लैके बिल्कुल पोले हत्थां नाल सॉफ्ट तरीके नाल इहनू आपां गोल बना लेंगे, ठीक है जी। बस ये एक ध्यान रखना, आप एक ध्यान रखना भी ये क्रैक्स नहीं आने चाहिए। जे ये क्रैक्स आ रहे हैं तो मतलब साडा आटा सही नहीं है, तो होर रसगुल्ला लगता। हाँ, रसगुल्ले सेम इसी तरह ही बनते हैं। जे च क्रैक्स आ गए तो इन्हू दोबारा मसल लो, घबराने की लोड़ नहीं। आटे अपने दोबारा मसल के दिखावा कि जिम्मे बहुत ही सॉफ्ट आ, मलाई मखन वर्गा है पूरा, मतलब ठीक ना। इन जो बन गया चपटा कर देना, ठीक है जी। बिल्कुल हौली जी, बिल्कुल हौली जी, ठीक है जी। हाँ जी, आप अपने सारे केक इसी तरह तैयार कर देने। तैयार करने तो बाद जो अपने सारे केक तैयार हो गए, फिर आप अपनी चाशनी इन्हें शुरू कर देने। दोबारा बॉयल होने लग गई, जो फुल एन पूरी मतलब बॉयल होने लग गई, फिर आप अपने केक पावे। मम्मी ने वो मैंने पेड़े करके देते, मैं सारे चपटा जा करके ये फॉर्म दे के रस मलाई की इदा एक प्लेट के रखी रख दी। मम्मी ने सारे बना लेने, बिलकुल गायस जो होंगे ना रसगुल्ले उन्होंने वर्ग के बने, वाइट वाइट किन्ने सोहने लग रहे हैं। बिलकुल भी हाथों ना नहीं जीव रहे, कोई भी घ्यो नहीं लाया, कुछ नहीं लाया, इन्ने सोहने बन रहे ना गायस। ओ माई गॉड, वाइट है, बिलकुल वाइट कलर है। इस बिल्कुल सॉफ्ट हैंड्स के हथेली ना प्रेस करना, ठीक है जी। तो देखो जी, बिल्कुल तेल नहीं लाया, बिल्कुल आए हाथों घ्यो नहीं लाया, तो भी बिल्कुल जमा ही स्टिक नहीं कर रहे हैं। सो तुम अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग शैना बना सकते हो, वध घट कि भी। सो असी थोड़े जी रस मलाई मतलब पीस बनाए हैं थोड़े जे, तो अच्छे साढ़े गैसट भी आए हुए थे, करके सारे बना के रख लिया रस मलाई इकट्ठी बना के रख लेनी ने तुम एक प्लेट के। चपटी जी मम्मी ने बनाई है, सारिया मैं बनाई ने, हूँ आप शर्त लाई है भी कि ज्यादा स्वाद बनूगी। अपनी चाशनी भी बिल्कुल रेडी है। चलो जी, चाशनी के आप एक एक करके पावे, ठीक है जी। सो मैं एक करके पाऊंगी ताकि अपनी चाशनी ठंडी ना हो, टैंपरेचर हाई रहे। तो मैं एक अपनी चाशनी के पाती है, तो देखो ये उपर आ गई हूँ। जो इन चंकी तरह इन्हें अबजॉर्ब कर लिया सारा मिठापन सारा कुछ, फिर देखियो अपनी रस मलाई बहुत ज़्यादा वधिया बनूगी। तो हूँ मैं नाल ही दूजी पाती है, ठीक है जी, ठीक है जी। सारिया तुसी एक एक करके दे विच ऐड कर देनिया ने। देखो जी, रसगुल्ले वांग उत्ते आ रही ने ना, इहदा मतलब बहुत ज़्यादा वधिया ये बनगियां। तो तुसी इन्हों ज़्यादा भी कुक नहीं करना, तो चाशनी थोड़ी ज़्यादा थिक नहीं करनी, ठीक है जी। फिर इन्होंने सॉफ्ट नहीं रहना। हाँ जी, फ्लेम फुल होनी चाहिए, फ्लेम पूरी फुल। तो नाल ही आपां जिवें मम्मी ने नाल ही ढकता, तुसी इन्हों कंटेनर दे नाल लिड दे नाल ही इन्हों ढक देना। तो हुण आपां इन्हों 10-12 मिनट ही इन्हों मतलब कुक होने देना, जां चाशनी दे विच पए रहन देना, अदरवाइज इन्होंने चिड़े हो जाना। सो इहदा मतलब ये ना हो कि तुसी सारी इन्नी सोहनी रैसपी बनाउंदे बनाउंदे एंड ते काम खराब कर लो, क्योंकि जे चिड़ी होगी सॉफ्ट ना रही इहदा टेस्ट नहीं आना, वधिया नहीं होना। ਜੇ ਆਪਣੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਥਿੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਚਾਸ਼ਨੀ ਥਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਨੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖੁਰਨ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10-12 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 10-12 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਰੈਡੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਸਵਾਦ ਸਵਾਦ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੁੱਕ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਫੁੱਲ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਸ਼ਨੀ ਜਦੋਂ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਫੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ।
मतलब रस पै जाना ये स्पॉन्जी हो जाना बहुत ज्यादा इन्हें रस मलाई ने। हम ना मैं एक कंटेनर ले लिया, तुम कोई भी कंटेनर ले सकते हो। एंड जो मेरा दुध जो काढ़ के 50% रखा से मतलब गाढ़ा करके जिद ड्राई फ्रूट्स केसर पाया से वह मैं एक कंटेनर के पा लूँगी। ये आप पावे अपन रस मलाइया जड़िया बनी जा, ठीक है जी। देख सकते हो तुम बहुत गाढ़ा तो बहुत ज़्यादा यम्मी बने आ वाला दुध भी। एंड ये आप ऐड करा अपनी रस मलाई। हाँ जी आ देखो अपने जेडे केक ने रस मलाई वाले तैयार हो गए ने, बिल्कुल पक चुके ने। हम आप जी अपनी फ्लेम आ बिल्कुल ही बंद कर दें, ठीक है जी। तो इन्हों आप हम एक कंटेनर के कढ लाँगे। सॉफ्ट तरीके ना बहुत सॉफ्ट बने ने, बहुत ज्यादा सॉफ्ट बने ने गाइस। सच्ची देख के दा दिल करदा कि हुनी खा लिए। हां जी बिल्कुल सॉफ्ट पर हले आपां इन्हां ठंडे होण दी वेट करनी है, ठीक है जी। तो बहुत सोहने बने आ, वाओ स्पंजी रसगुल्ला ही आ। हां जी बिल्कुल। मम्मी दा जेड़ा चपटा जिहा बणिया सी तां पता ही नहीं लग्गिया केड़ा कीदा हैना, सारे इक सार लगदा आ। सारे उदो छोटे छोटे लगते थे पेड़े कीते जो आपां। हाँ जी ते इस तो भी छोटे पेड़े कर सकते जे थोनू इदां कि असीं थोड़ी जिहा रस मलाइयां छोटियां खाणियां ने, सो टोटली थोड़े ते डिपेंड करदा। पर रस मलाई की चाशनी तुसीं ज्यादा गाढ़ी नहीं करनी, नहीं उन्होंने इन्हें चीड़ा कर देना, ठीक है जी। हार्ड हो जाए। सो देखो जी आपने सारे एक प्लेट के रस मलाइया कढ के रख लिया, तो इन्हों हम ठंडे होने की वेट कर दी। कि सौखी रेसिपी से कि ईजी बन गया सारा कुछ, सो तुम जरूर ट्राई करो एक बार। हर मन टच करके देखो इन्हों कि सॉफ्ट ने। वाओ बहुत सॉफ्ट है ना, थोड़ी गर्म पर बिल्कुल सॉफ्ट हो ही पी है। सॉफ्ट ने तो फिर सारा समान आप कट्ठा पा के थोड़ा टाइम रेस्ट दे रख लाँगे, फिर आप सर्व कर सकते हैं। तो मैं किसी स्पैचुला की हेल्प के नाल इनू ये पाऊंगी एक एक करके, ठीक है जी। बहुत ही सॉफ्ट हैगी ने गाइज, सो तुसी बिल्कुल ध्यान रखना। हुण इहदे विच सारा मिक्सचर दे विच जदों अबजॉर्ब कर लिया इहने ते तुसी देखियो किन्नियां ज़्यादा इन्हां ने वधिया टेस्ट मतलब इहदे विच रच जाना सारे दुध दा। इहदा तुसी हैंड दी हैल्प दे नाल भी कर सकदे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, पर तुसी थोड़ी जी स्पैचुला दी सपोर्ट दे सकदे हो। देखो जी, ठीक है जी। देखो जी, ठीक है जी। मैं सारिया ये रख लिया से डिप करती आपने, हम आप गार्निश करा जेडे आप ड्राई फ्रूट्स बचा के रखे से थोड़े जी। ये काजू बदाम एंड अपना पिस्ता, ये लुक बहुत सोहनी आनी है गाइस, सो तुसी इनू गार्निश करना नहीं भुलना। थोड़ा जा आप अपने दुध के उपर करा। देखो जी पिश्ते वाली अपनी केसर वाली रस मलाई बिल्कुल रेडी है, लुक सो यमी डिलीशियस, ठीक है जी। एंड तुसी ऑप्शनल हैगा तुसी इहदे उपर केसर भी ऐड कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, अपनी लुक बहुत सोहनी आनी है, क्योंकि जिनी थोड़ी ड्रेसिंग सोहनी होगी उन्ना ज़्यादा सोहना थोड़ा वधिया लगूगी, ठीक है जी। वाओ अपनी रस मलाई की रेसिपी रेडी है, सो तुसी देख सकते हैं अपनी केसर रस मलाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है गाइज। एंड बहुत ज्यादा डिलीशियस टेम्पटिंग लग रही है, मेरा हुण यह जी करदा कि मैं हुण इहनू खा लवां बस। तो तुम सारे जने अपने रिव्यू दियो, जो थोड़ा भी वधिया लगी जो तुम ट्राई करी तो बहुत स्वाद बनी दैन सू कॉमेंट करके जरूर दस्यो, क्योंकि जो तुम कॉमेंट करते हैं दैन सा हौसला बहुत वध जाता। मम्मी ने बहुत ज़्यादा हैल्प की, पापा ने हैल्प की, सो अपनी रैसपी बनाने के। सो एंड तुम कॉमेंट करके जरूर दस्यो कि थोड़ा नैक्सट रैसपी कि चीज़ से चाहिए है। असं काफ़ी सारे करा रहे हैं जो रैसपियाँ पाती हैं, दैट्स वाई असं क्या एक चलो स्वीट डिश की रैसपी थोड़े शेयर की जाए। हम मैं सर्व कर लगी से अपनी फैमिली नू, एंड तुसी भी साडा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लियो गाइस, कुकिंग विद हरमन। बाय बाय।